असलम वेलकम बैक टू नदर अपिसोड ऑफ सीख लें टुडे आई कॉल इट अ वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल अपिसोड एंड टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर सो विदाउट फदर डू हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं और चल के देखते हैं कि किस तरीके से साउंड ट्रेवल करता है थ्रू एयर और मैंने ये सोचा है कि आज की वीडियोज़ को जरा मैं शॉर्ट रखूंगा ताकि हम पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दे दें दे और उसके बाद फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन में मूव करें तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट जस्ट मूव टू द वीडियो वेलकम बैक तो आज हमारी पहली डिस्कशन ये रहेगी जो कि ऑब्वियसली चैप्टर नंबर एट ही चल रहा था और उसकी प्रीवियस वीडियो में आपने कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट देखे थे स्टार्टिंग फ्रॉम सम डेफिनेशंस और वो आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे और उसके बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को स्टार्ट करने से पहले आज का कॉन्सेप्ट और आज की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है अगर मैं इस तमाम वीडियो को एक साथ रखता तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती सो आई वॉन्ट कि हम एक पहले इनिशियल कॉन्सेप्ट को देख लें और उसके बाद हम जो है वो स्पीड ऑफ साउंड पे मूव करें बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड जो है वो दो साइंटिस्ट ने जो है वो यहाँ पे प्रूव किया है उसके फार्मूलाज और उसकी तमाम डेरिवेशन एंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बट उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि जनरल स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है और कैसे ट्रैवल करती है और किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है सो मेरा बेसिक इनिशियल जो डिस्कशन रहेगी वो ये रहेगी कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है एंड साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं सो so, अगर हम यहाँ पर साउंड की एग्जाम्पल देखें तो सपोज अगर आपने यहाँ पर एक रूलर जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है और फिर आप उस रूलर को जो है वो एक जगह से पैन करते हैं या उस रूलर को जो है वो उसको हिलाते हैं एक जगह से तो आपके पास रोलर जो वाइब्रेट करता है और इस वाइब्रेशन के नतीजे में आपके पास साउंड प्रोड्यूस होता है टेक अन अदर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक रबर बैंड है एंड दैट इज़ टाइड बिटवीन टू एंड्स और फिर आप उस रबर बैंड को दरमियान से जो है वो प्लग करते हो तो तब भी आपके पास साउंड प्रोड्यूस होता है तो दैट गिव यू एनफ एग्जाम्पल्स एंड अ प्रोसीजर जिसमें आपको ये पता लगे कि साउंड जो है वो आपके पास वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है सो साउंड डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है जब भी साउंड के बारे में बात आती है तो हम मीडियम के बारे में बात करते हैं देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम लेट सपोज आपके पास सॉलिड है आपके पास लिक्विड है विच इज़ ऑबियसली वाटर और आपके पास गैसेज हैं तो आज हमने देखना है कि साउंड सॉलिड लिक्विड और गैसेज में से कैसे ट्रैवल करता है और कौन से मीडियम में इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है तो इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए हम सबसे पहले ये ड्राइव करते हैं कि साउंड किस पर डिपेंड कर रहा है तो साउंड जो है जनरल स्पीड ऑफ साउंड दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका मटीरियल कितना स्टिफ है लेट्स सपोज मैंने सॉलिड की बात की और सॉलिड मटेरियल स्टिफ होता है और दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपके मटेरियल की डेंसिटी क्या है जिस तरह हमारे पास एयर मौजूद है एयर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो इनकी इसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी जबकि सॉलिड में जो है वो मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी सो so, इन दोनों बातों के बिना पर ऑन दीज टू फैक्टर्स हम जनरल स्पीड ऑफ साउंड को इस फार्मूले के तहत जो है वो ड्राइव करते हैं एंड जनरल स्पीड ऑफ साउंड इज़ इक्वल टू ई ओवर रोर इन विच ई एंड रो आर स्पेसिफिकली टू क्वान्टिटीज़ और जिनको आज की वीडियो में डिस्क्राइब करना बड़ा ज़रूरी है तो मेरा बेसिक मेन जो फोकस है वो आज इन दोनों क्वान्टिटीज़ के ऊपर है बेटा यहाँ पर आपको ई e नज़र आ रहा है और ई e को हम बोलते हैं दैट इज इलास्टिक मूडल्स जो बच्चे ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पहुँच चुके हैं या जिन्होंने सेकेंड ईयर पढ़ रखी है उनको इलास्टिक मूडल्स का पता है लेकिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये एक नई चीज़ तो नहीं कह सकता लेकिन आप ऑबियसली नाइन क्लास में इसको पढ़ के आए हो हम एक दफ़ा दोबारा इसको रिपीट रिवाइज़ कर लेते हैं इलास्टिक मॉडल है आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है एक ऐसी रेशो है जो कि मुश्तिल होती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के तो अगर आपके पास एक स्ट्रेस है स्ट्रेस मीन फोर्स पर यूनिट एरिया और उस फोर्स पर यूनिट एरिया के नतीजे में अगर कोई बॉडी आपकी चेंज हो जाती है अपनी शेप चेंज कर देती है तो उस चेंज को हम स्ट्रेन बोलते हैं तो स्ट्रेस एक क्वांटिटी जो कि फोर्स लगाएगी एक एरिया के ऊपर और स्ट्रेन वो डिफॉर्मेशन बिगाड़ है जो आपकी बॉडी में आएगा जब उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी जैसे हम यहाँ पे रबर बॉल की एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर आपके पास एक रबर बॉल है आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं चारों साइडों से तो उसकी शेप वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इसको स्ट्रेस बोलेंगे और जो चेंज इसके अंदर आएगा उस चेंज को हम स्ट्रेन बोलते हैं तो अब हम चल के देखते हैं कि ये जो रेशो हमने यहाँ पर रखी है तो इसका स्पीड ऑफ़ साउंड के साथ क्या रिलेशन है तो स्पीड ऑफ़ साउंड जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिक मोडल्स के और अंडर रूट यहाँ पे सेफ वैल्यूज़ के लिए लिया गया है यानी जब आप अंडर रूट लेते हो तो प्लस माइनस दोनों की वैल्यूज़ आती हैं तो अंडर रूट इसलिए डरीवेशन में लिया जाता है और ये डिवाइड हो रहा है डेंसिटी से सो so डेंसिटी आपके पास होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम अब हम चल के देखते हैं कि इलास्टिक मोडल्स और डेंसिटी को हम किस तरीके से मटेरियल्स के अंदर देख, देख सकते हैं अगर आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के इलास्टिक मॉडुलस डिफाइन करती है इसकी स्टिफनेस को यानी कितना आपका मटेरियल स्टिफ है आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ मैं दो, दो आपके पास ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ यानी अगर आपके पास एक ब्रिक है एक ईंट है तो ये ज़्यादा स्टिफ है इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज हैं रैदर दैन एक मार्श मेलो मार्श मेलो आम रूटीन में एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है और उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो ज़्यादा अच्छे तरीके से रैदर दैन आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करो तो इन दोनों में से इलास्टिक नूडल्स किसका ज़्यादा हुआ ऑब्वियसली बात है एक ब्रिक का एक सॉलिड का इलास्टिक नूडल्स ज़्यादा हुआ तो इस नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि वो सब्सटांसिस जिनका इलास्टिक नूडल्स या जिनकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है साउंड वेव्स उनमें से ज़्यादा ट्रैवल करती हैं तो एक अनदर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको इस एग्ज़ाम्पल से देखें कि एक रेलवे की पटरी है और उस पटरी के ऊपर एक बच्चे ने कान लगाया हुआ है और दूसरी साइड से हम हैमर से टैप कर रहे हैं तो और ये आवाज़ दोनों से ट्रैवल करेगी एयर से भी और उस आयरन वाले मीडियम से भी तो क्या होगा आयरन के मॉलिक्यूल्स करीब करीब है आयरन ज़्यादा स्टिफ है हार्डर है रादर दैन एयर तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आयरन में से तेज़ी से गुजरेगी रैदर दैन एयर तो आपको जो है वो सॉलिड में से पहले आवाज़ मिल जाएगी और फिर अगर आप देखें तो आपको हवा में से आवाज़ मिलेगी तो ये एग्जांपल्स बहुत दफ़ा आम रूटीन में जो है आप लोग देखते आए हैं और ये बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल्स हैं इससे हम लोग इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं सो बाय दिस एग्ज़ैम्पल हम ये कह सकते हैं कि साउंड वेव्स जो है वो इलास्टिकसिटी या इलास्टिक मोडल्स के डायरेक्टली uh, प्रोपोर्शनल है तो हम ये कह सकते हैं कि साउंड वेव सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी देन थ्रू लिक्विड्स एंड देन थ्रू गैसेस लेकिन आपके पास यहाँ पर डेंसिटी भी दिखाई दे रहा है और डेंसिटी क्या चीज़ होती है डेंसिटी होती है कि कितना मॉलिक्यूल्स uh, किस भी सब्सटेंस के एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं याद रहे कि बाज बच्चे स्टिफनेस और डेंसिटी को एक साथ लेते हैं लेकिन प्लीज़ यहाँ पर स्टिफनेस जो है वो इलास्टिक मोडलस है दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन और जो डेंसिटी है वो मैस पर वॉल्यूम है कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं लेकिन हम गैस के बारे में डेंसिटीज़ के बारे में बात करते हैं और जब सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो इलास्टिक मेडल्स के बारे में बात करते हैं नाउ वी टॉक अबाउट डेंसिटी कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है या गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा है देखें सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ही बात है लेकिन डेंसिटी स्पीड ऑफ साउंड वाले फॉर्मूले में इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल पड़ा हुआ है तो ऊपर आपने डिस्कशन की थी कि सॉलिड की इलास्टिक वोडाजा तो उसमें स्पीड ऑफ़ साउंड ज़्यादा होगी लेकिन अब आप बात कर रहे हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है और ये यूनिवर्सली प्रपोशनल है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या इसमें से कम होगी तो यहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और जब डेंसिटी को फैक्टर बनाते हैं तो क्लियरली हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि गैसेस की डेंसिटी सबसे कम है इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होगी गैसेस में देन थ्रू लिक्विड एंड देन थ्रू सॉलिड्स अब हम क्या करें और हमने क्या करना है तो यहाँ पर चूंकि स्पीड ऑफ साउंड को हम देख रहे हैं और इन दोनों में से ज़्यादा रिमार्केबल फैक्टर जो है वो आपके पास इलास्टिक मुडल्स है जिसको कहीं ना कहीं अगर आप नेट पे सर्व करो तो आपको बल्क मूडल्स का वर्ड मिलेगा तो यहाँ पर आपने बल्क मूडल्स की डिपेंडेंसी देखते हुए स्पीड ऑफ साउंड बतानी है सो इन दिस वे वी कैन क्लियरली फिगर आउट दैट स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच ग्रेटर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स एंड देन इन गैसेस। सो यहाँ पर आपको ये दोनों इक्वेशंस के साथ इजीली पता लग गया होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रपोर्सनल साथ में अगर आप डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी को आप जब एयर में बात करो तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस की भी बात होगी ज़ाहिर सी बात है कि कोल्ड एयर में आपके मोलिक्यूल्स करीब करीब होंगे रैदर दैन हॉट एयर तो हम यहाँ पर रफली ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक गैस है और उसका टेम्परेचर जो है वो कम है ज़ीरो डिग्री पर है Uh, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होगी विच इज़ थ्री थर्टी वन और कोल्ड एयर एयर में क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगी सो वेन द डेंसिटी इज़ द फैक्टर रिजल्ट पूरे चेंज हो जाते हैं बट यहाँ पर आपने जो फैक्टर के बारे में बात करनी है दैट इज़ इलास्टिक मनल आई होप कि आपको आज की डिस्कशन समझ में आई होगी और ये तमाम डेरीवेशन uh, जो एक जनरल डेरीवेशन है इसका आपको पता लगा होगा क्योंकि आज इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी थी बिकॉज uh, अगर आप इस चीज़ को जानेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में ये तमाम कॉन्सेप्ट लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास न्यूटन और एप्लास ने जो बातें की उसमें यही वाले तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हो रहे हैं आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है तो आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे इस वीडियो को देखते हुए सो काइंडली प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल डू लाइक माई वीडियोज़ और इसी तरीके से बने रहिए एंड प्लीज़ मुझे फीडबैक लाजमी दें क्योंकि वो मेरे लिए एक एनर्जी होती है और उससे मैं और ज़्यादा बेहतर होता हूँ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इसी तरीके से रहिए खुश रहिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफ़